नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आपके सवालों और सुझावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का मैं ये पहला सवाल ले रहा हूं। गौरव राणा जी ने पूछा है, चाचा पहली फोटो में तो यूरिया नॉट कंपैटिबल विद पोटाश और सेकंड फोटो में ये कंपैटिबल दिखा रहा है। असल में मैंने एक वीडियो डाली थी खादों को आपस में मिलाने का चार्ट, उसमें दो चार्ट दिए थे। पहला चार्ट था उसमें ये दिखाया गया था कि भाई अब यूरिया और पोटाश को, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाशियम क्लोराइड जो होता है उसको मिला सकते हैं। दूसरे में ये दिखाया गया था कि उसे हम नहीं मिला सकते। एक्चुअल में क्या है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने भी काफ़ी आगे डिटेल की है। हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि हम जो है ना सीखें और सिखाएं। तो ये रहा, हाँ जी, दोनों चार्ट में ये मिस्टेक है। डिटेल में स्टडी सर्च करने पर यूरिया पोटाश को मिला सकते हैं। असल में पहले चार्ट का मकसद ये था, मतलब ये था कि हम यूरिया और पोटाश को मिलाकर काफ़ी देर तक रख नहीं सकते, लेकिन उनको मिलाकर एकदम से खेत में डाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर होगी। एक और बात इसके साथ साथ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि भाई जितने भी सल्फेट्स होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, सल्फेट्स को हम आपस में मिला सकते हैं, लेकिन हम DAP के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि DAP में डाई अमोनियम फास्फेट होता है। तो फास्फेट और सल्फेट को आपस में नहीं मिलाना है। तो इसीलिए हम यही बात कहते हैं, भी धान में DAP को आप पहले डाल दो, बिजाई समय, कद्दू करते समय एक कल्टीवेटर चलाओ तब डाल दो, स्वागा या पाटा से पहले डाल दो। और जिंक सल्फेट को आप जो है ना 7-8 दिन बाद या 10-12 दिन बाद पहले यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया जी। अब एक पोटाश के बारे में एक और, देखो जी कितनी भ्रांतियां हैं, नॉलेज की कमी है। और एक मनीष गुज्जर जी हैं, उन्होंने एक नाम लिया है कि इस चैनल वाले ये बता रहे हैं कि धान में बालियां आ जाए तो पोटाश नहीं डालना है, एक बार पोटाश डालना है रुपाई के 1 वीक बाद। मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पोटाश है और फास्फेट है, DAP है, इनको शुरू में ही डालना होता है। मैं तो इसको तीसरे दिन ही डाल देता हूँ, रुपाई के तीसरे दिन डाल देता हूँ, लेकिन बाद में बालियां निकलने के बाद इसलिए डालते हैं क्योंकि तब पोटाश जो है ना ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। आप जो देखते हो जो झंडा पत्ता होता है, बालियां निकलने के बाद भी एक झंडा ऊपर रह जाता है, एक पत्ता ऊपर रह जाता है, उसको हरा भरा अगर रह जाए तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और पोटाश जो है ना सुंदरता के लिए, दानों की मजबूती के लिए, बोल्डनेस के काम करता है, तो हमारी पैदावार बढ़ती है क्योंकि वो रेट भी अच्छा मिलता है, सुंदर होते हैं, तो उस समय पोटाश की जरूरत होती है। सो बालियां निकलने के बाद इसीलिए ही तो 0050 का स्प्रे का रिकमेंडेशन होती है। और एक और मैं आपको बता दूं कि पैनिकल इनिशिएशन, जब ये सिट्टा जो है ना तने में नीचे 50-1 दिन बाद जब ये नीचे से निकलना शुरू होता है तो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के राइस नॉलेज बैंक में भी ये बताया गया है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर पोटाश की जरूरत होती है। तो पोटाश की जरूरत शुरू में भी होती है और बाद में भी होती है। मेहरबान सिंह जी पूछते हैं, सर 8 किलो 33% जिंक सल्फेट में कितना सल्फर होता है, एक्स्ट्रा सल्फर डालने की जरूरत है पैडी में क्या? और दूसरा, ये गुरमीत सिंह जी कहते हैं कि हम मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट को एक साथ डाल सकते हैं क्या, प्लीज़ कॉमेंट फास्ट। हाँ जी, इन सबको पहले ही बताया, सल्फेट्स को मिलाकर डाल सकते हैं। और पहले का ये क्वेश्चन है कि जो 33% जिंक होता है उसके अंदर 15-20% सल्फर होता है, उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा सल्फर कम कर देना चाहिए, एक हिस्सा कम कर देना चाहिए, दो हिस्से सल्फर डाल देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर सिंह सुंदर जी का, सर धान में जिन खेतों में पानी ज़्यादा भरा रहता है उसके लिए क्या करें? अब देखो जी, जो नीचे वाले खेत हैं उनमें पानी ज़्यादा भर जाता है। देखो जी, एक जिप्सम होता है, अगर हम जिप्सम डाल दें या सल्फर डाल दें खेतों में तो बिजाई के समय ही डाल दें, उससे पहले भी डाल सकते हैं, तो उससे पोरोसिटी मतलब कि हवा का आवागमन बढ़ जाता है उन खेतों में, तो पानी जल्दी पी जाती है वो। या फिर हम जो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमें स्प्रे के द्वारा देने पड़ेंगे, तो यही एक इलाज है, और क्या तरीका हो सकता है। पाँचवा क्वेश्चन है गौरव सिंह जी का, 12 दिन की पौध जो है, धान की पौध सफ़ेद हो गई है, सफ़ेद जो है ना फेरस की कमी का लक्षण है, तो आप फेरस सल्फेट 50 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% जो होता है वो 70 ग्राम, यूरिया 150 ग्राम, ये एक टैंकी का बता रहा हूँ, 15 लीटर की टैंकी जो हाथ वाली होती है, फेरस 50, जिंक सल्फेट 70, यूरिया 150 ग्राम, 15-20 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें, ये ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये आया है, फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सौरभ शनि गिरी जी ने पूछा है कि फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ना वो सीड ट्रीटमेंट के साथ
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कार्बोडेंजियम भी सीड ट्रीटमेंट दोनों को इकट्ठे कर सकते हैं, कंपैटिबल है क्या ये? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीएसबी होता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिंदा होते हैं, इनको किसी केमिकल के साथ, फर्टिलाइजर के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो सीड ट्रीटमेंट आप कर रहे हो वो आप कर लो, और इनको जो है ना आप 7-8 दिन पहले कुछ केमिकल ना हो, 7-8 दिन बाद में कोई केमिकल ना हो, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभिषेक सिंह जी का क्वेश्चन है, सर 120 दिन की धान में यूरिया फर्स्ट डोज 15 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग या 20 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग? इसी के साथ ही एक जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये है कि भाई जिन वैरायटियों की ड्यूरेशन 130 से 135 दिन है तो उनको यूरिया जो है ना कब देनी चाहिए, और साथ में पूछ रहे हैं सरसों की खली डालनी चाहिए कि नहीं डालनी। सरसों की खली अच्छी होती है लेकिन इस साल महंगी है तो अवॉइड कर लें। तो जो 120 दिन की क्रॉप है उसमें से 30 दिन तो आप नर्सरी के निकाल दो, 90 दिन की फसल हो गई, उसमें तो आपको देखो जी 15 दिन बाद आप यूरिया डाल दो। लेकिन जो 130-135 दिन की फसल है जो 100 से ऊपर दिन लेती है उसको पहली डोज जो है ना 20 दिन पर डाल दो। फिर एक बजिंदर गोयल जी का क्वेश्चन है, सर मुच्छल 1401 की पौध 1 महीने की हो गई है, खरपतवार काफ़ी हो गए हैं, नोमिनी गोल्ड का स्प्रे किया था 3 दिन पहले, इसका लो महीने की होगी है 3 दिन, 27वें दिन पे उन्होंने स्प्रे किया जबकि ये स्प्रे करना चाहिए था 15-20 दिन पे। खरपतवार जब 2 से 5 पत्ती 2 से 4 पत्ती स्टेज पर हो और पौध भी 15 से 20 दिन की हो तब ये स्प्रे करना चाहिए। पहले कर दे तो पौध को झटका लग सकता है, बाद में करें तो खरपतवार बड़े हो जाते हैं। इनके साथ यही हुआ है कि खरपतवार बड़े हो गए हैं, फिर ये कहते हैं लेकिन 4 घंटे बाद बारिश भी हो गई थी, मतलब कि ये और काम बीच में बढ़ गया, एक तो लेट स्प्रे किया और ऊपर से बारिश आई, अब क्या करें? खरपतवार ख़त्म करने के लिए प्लीज़ रिप्लाई। तो इसका सीधा सा इलाज है जी, अब तो आपके पास हाथ से ही निकालने वाला इलाज है, लेबर लगा के निकलवा लो, और कोई इलाज नहीं है, दवाई शवाई के चक्कर में ना पड़ो। विनोद कुमार जी ये पूछ रहे हैं, सर जी मैंने सब्जी की फसल में गलत दवाई का छिड़काव कर दिया था जिसके कारण पत्तियां सड़ने लगी, कोई उपाय बताएं, दोबारा फुटाव कर ले? देखो ऐसा कई बार हो जाता है हमसे, गलत कोई गलती हो जाती है, ऊपर से क्लाइमेट के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा तेज आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमने करना क्या है, उन पौधों को, नर्सरी को हमने जो बढ़वार वाली जो चीज़ें हैं, जो हरियाली वाली जो चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ाते हैं, वो देने हैं। तो मैं आपको ये फार्मूला दे रहा हूँ, मेरा पेट फार्मूला है, जिंक सल्फेट 33% 700 ग्राम, नोट कर लो, जिंक सल्फेट 33% 700 ग्राम, फेरस सल्फेट लोहा बोलते हैं जिसको 19% वाला आता है ये 500 ग्राम, एक मैग्नीशियम सल्फेट भी ले लो आप इसमें 1 किलो, ये थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, 1 किलो यूरिया, इन चारों का आप जो है ना 150 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दो, ठीक है जी, और 1 किले में स्प्रे कर दो, 20 दिन के बाद आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। पेट फार्मूला है, रिजल्ट देगा, ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी के साथ ही वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी करना भी नहीं मैं चाहता, फिर और क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सार्थक नज़र आता हो तो मेरी आपसे गुजारिश है आप इसको लाइक तो करो ही करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ ही थैंक यू।